नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रायसेन में उमा भारती द्वारा दिए गए गंगोत्री के जल से कलेक्टर ने किया भगवान शिव का जलाभिषेक। मुख्यमंत्री के ओएसडी भी रहे मौजूद। रायसेन के प्राचीन किले पर स्थित सोमेश्वर धाम शिव मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन पर अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती द्वारा रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे को सौंपे गए गंगोत्री के जल से कलेक्टर अरविंद दुबे ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इस दौरान कलेक्टर अरविंद दुबे के साथ मुख्यमंत्री के ओएसडी नीरज वशिष्ठ, एसपी विकास कुमार शाहवाल, कलेक्टर के निज सहायक राकेश राघव, तहसीलदार अजय प्रताप सिंह, थाना कोतवाली टीआई जगदीश सिंह सिद्धू भी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है, रायसेन के प्राचीन किले पर स्थित शिव मंदिर के दरवाजे के ताले वर्ष में केवल एक बार महाशिवरात्रि पर्व पर प्रशासनिक एवं पुरातत्व विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में ही खोले जाते हैं। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारत सोमेश्वर धाम के दरवाजे के ताले प्रतिदिन खोले जाने की मांग कर चुकी है और 11 अप्रैल 2022 को रायसेन के किले पर स्थित शिव मंदिर पर गंगोत्री का जल लेकर अभिषेक करने पहुंची थी, लेकिन ताले नहीं खोले गए, जिसके चलते फिर पूर्व मुख्यमंत्री कलेक्टर को गंगोत्री का जल सौंप कर वापस रवाना हुई थी और कहा कि महाशिवरात्रि पर जब मंदिर के ताले खुले तब मेरी तरफ से गंगोत्री के जल से अभिषेक करना। इसी के चलते कलेक्टर अरविंद दुबे ने पहुंचकर गंगोत्री के जल से जलाभिषेक किया। उल्लेखनीय है कि रायसेन सोमेश्वर धाम के ताले खोले जाने की मांग को लेकर वर्ष 1974 में आंदोलन हुआ था और इस आंदोलन में राधेश्याम वशिष्ठ शामिल हुए और इसी के परिणाम स्वरूप एक दिन के लिए ताले खुलना प्रारंभ हुआ और रायसेन में उत्सव का माहौल रहा। महाशिवरात्रि पर्व पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ओएसडी एवं स्वर्गीय राधेश्याम वशिष्ठ जी के पुत्र नीरज वशिष्ठ ने भी पहुंचकर शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट।